दुख का प्रभाव। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, प्राकृतिक नियम अनुसार जो न चाहने पर भी प्रत्येक प्राणी के जीवन में आ ही जाता है वही दुख है, और जो चाहते हुए भी नहीं रहता वही सुख है। ऐसे सुख दुख को बलपूर्वक रोकना अथवा बनाए रखना किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। जिसका रोकना संभव नहीं है उसका आदरपूर्वक स्वागत करना अनिवार्य है, और जिसके सुरक्षित रखने में सभी असमर्थ हैं उसमें जीवन बुद्धि स्वीकार करना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह नियम है कि जिसे बलपूर्वक नहीं रोक पाते उसके आने पर भयभीत होना, और जो न चाहते हुए भी चला जाता है उसकी दास्ता का अंकित होना साधारण प्राणियों के लिए स्वाभाविक सा है। यद्यपि वास्तविक मांग की खोज करने पर स्पष्ट विदित होता है कि भय तथा दास्ता से युक्त जीवन किसी को भी अभीष्ट नहीं है। इस दृष्टि से मानव जीवन की मौलिक मांग सब प्रकार के भय तथा दास्ता से मुक्त होना है। मंगलमय विधान के अनुसार मांग की पूर्ति प्रत्येक परिस्थिति में संभव है। कामना पूर्ति कामना के अनुरूप परिस्थिति में ही संभव है, परंतु मांग की पूर्ति प्रत्येक परिस्थिति में होती है। अतएव परिस्थिति भेद होने पर मांग की पूर्ति से निराश होना अथवा किसी परिस्थिति विशेष का आह्वान करना असावधानी तथा भूल से भिन्न और कुछ नहीं है। भयभीत होने पर प्राप्त सामर्थ्य योग्यता तथा वस्तु का सदव्यय नहीं हो पाता, और प्राकृतिक नियमानुसार भयभीत होने से आवश्यक विकास भी नहीं होता। कारण कि भय से शक्ति क्षीण होती है और असावधानी और प्रमाद पोषित होते हैं जो विनाश का मूल है। भय का सर्वांश में नाश करने के लिए अपने आप आए हुए दुख का प्रभाव आवश्यक है, उसका भोग नहीं। दुख का भोग गए हुए सुख की दास्ता तथा लोलुपता एवं उसकी आशा में आबद्ध करता है। जिसे किसी भी प्रकार न रख सके उसकी दास्ता लोलुपता एवं आशा करना किसी के लिए भी हितकर नहीं है। इस दृष्टि से दुख के भय तथा सुख की दास्ता का मानव जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। सुख की दास्ता के रहते हुए दुख का भय किसी भी प्रकार मिट नहीं सकता। इस कारण सुख की दास्ता का अंत करना अनिवार्य है। सुख की दास्ता आए हुए सुख को सुरक्षित नहीं रख पाती, फिर भी सुख का भोगी उसका त्याग नहीं करता, यह कैसी विडंबना है। सुख की दास्ता ही दुख का भोग कराती है, दुख का प्रभाव नहीं होने देती। दुख का प्रभाव सुख काल में भी सुख की दास्ता से मुक्त कर देता है। इस दृष्टि से आए हुए दुख का प्रभाव विकास का मूल है। पर यह रहस्य वे ही जान पाते हैं जिन्होंने सुख दुख की वास्तविकता को भली भांति अपने विवेक के प्रकाश में अनुभव किया है। वस्तुतः दुख का भय ही दुखी को दुख के भोग में प्रवृत्त करता है, उसका प्रभाव नहीं होने देता। जिस अनुकूलता के जाने का दुख है, क्या वह अनुकूलता किसी भी प्रयास से सुरक्षित रह सकती है? कदापि नहीं। जिस प्रतिकूलता से प्राणी भयभीत है, क्या वह सदैव रहेगी? कदापि नहीं। प्रतिकूलता अनुकूलता की दास्ता का अंत करने के लिए आती है, उससे भयभीत होना भूल है। अनुकूलता करुणित बनाने के लिए आती है, उसका भोग करना प्रमाद है। इस दृष्टि से अनुकूलता तथा प्रतिकूलता सदैव नहीं रहेंगी, इन दोनों का सदुपयोग अनिवार्य है।
इनमें जीवन बुद्धि स्वीकार करना असावधानी है। असावधानी के समान और कोई बात अहितकर नहीं है। असावधानी का मानव जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। इस कारण वर्तमान में ही सजगता पूर्वक असावधानी का अंत करना अनिवार्य है। निज विवेक के अनादर से ही असावधानी उत्पन्न होती है। असावधानी किसी और की देन नहीं है और न किसी कर्म विशेष का ही फल है, अपितु उत्पन्न हुई असावधानी निज विवेक का आदर करने पर स्वतः नष्ट हो जाती है। दुख का प्रभाव निज विवेक के आदर में हेतु है और दुख का भोग अविवेक को पोषित करता है। दुख का प्रभाव सुख लोलुपता का अंत कर मानव को सुख की आशा से मुक्त कर देता है। सुख की आशा से रहित होते ही सुख दुख से अतीत के जीवन की तीव्र जिज्ञासा तथा उत्कट लालसा जागृत होती है, जो विकास का मूल है। सुख के ना रहने अथवा उसके चले जाने की संभावना से दुख की प्रतीति होती है। दुख की प्रतीति होने पर यदि असावधानी से सुख की आशा उत्पन्न हो गई तो दुख का भोग होगा, प्रभाव नहीं। यदि आए हुए दुख ने सुख की आशा को उत्पन्न नहीं होने दिया अपितु प्राप्त सुख में भी दुख का दर्शन करा दिया तो यह दुख का प्रभाव है। सुख में दुख का दर्शन होते ही सुख के भोग की रुचि का नाश होता है, जिसके होते ही सुख लोलुपता तथा सुख की आशा शेष नहीं रहती। फिर अपने आप दुख का प्रभाव दुख का अंत कर वास्तविक जीवन से साधक को अभिन्न कर देता है। दुख का भोग दुखी को न तो सुखी कर पाता है और न दुख का ही अंत होता है, अपितु बेचारा दुख का भोगी सुख की आशा में ही आबद्ध रहता है। इस दृष्टि से दुख का भोग दुखी का अहित ही करता है। दुख के प्रभाव तथा उसके भोग का अंतर स्पष्ट हो जाने पर प्रत्येक दुखी दुख के प्रभाव को अपनाकर कृतकृत्य हो सकता है। दुख का भोग जड़ता और दुख का प्रभाव चेतना प्रदान करता है। सुख के भोगी को दुख विवश होकर भोगना ही पड़ता है। सुख भोग की रुचि बनाए रखने पर दुख का भोग होता ही रहता है। इस कारण सुख भोग की रुचि का नाश अनिवार्य है, जो दुख के प्रभाव से ही संभव है। प्राकृतिक नियमानुसार सर्वांश में कोई भी परिस्थिति सुखमय तथा दुखमय नहीं होती, अर्थात उत्पन्न हुई प्रत्येक परिस्थिति आंशिक सुख तथा दुख से युक्त है। आंशिक दुख जब आंशिक सुख के प्रलोभन को सुख काल में ही नष्ट कर देता है, तब उसे दुख का प्रभाव समझना चाहिए। दुख के रहते हुए और यह जानते हुए कि आया हुआ आंशिक सुख किसी भी प्रकार नहीं रहेगा, सुख भोग की रुचि तथा उसकी आशा रखना दुख का भोग है। सुख काल में भी सुख भोग का त्याग पुरुषार्थ से ही साध्य है, किंतु दुख के प्रभाव के बिना सर्वांश में दुख का नाश किसी भी प्रकार साध्य नहीं है। दुख में सुख की आशा दुख का भोग है, सुख में दुख का दर्शन दुख का प्रभाव है। भूख से पीड़ित प्राणी भोजन की आशा में सुख का अनुभव करने लगता है। यद्यपि सुख स्वरूप से नहीं होता, तथापि सुख भोग की स्मृति उसे दुख काल में भी सुख का भास कराती है। उसी प्रकार सुख का भोग करते हुए सुख के ना रहने की अनुभूति सुख में ही दुख का दर्शन कराती है, जिस प्रकार संयोग काल में ही वियोग का भय होने लगता है।
दुख का प्रभाव सजगता और दुख का भोग जड़ता प्रदान करता है। सजगता असावधानी को नष्ट करती है क्योंकि वह चिन्मय जीवन की ओर अग्रसर करती है। जड़ता चिन्मय जीवन से विमुख कर मानव को सुख के प्रलोभन, दासता और आशा में आबद्ध करती है। जड़ता से चेतना की ओर अग्रसर होने के लिए दुख के भोग का अंत कर उसके प्रभाव को अपनाना अनिवार्य है। अपने आप जाने वाला जो सुख है, उसके न रहने का अनुभव यदि सुख काल में ही कर लिया जाए तो बहुत ही सुगमतापूर्वक सुख के भोग का नाश और दुख के प्रभाव की अभिव्यक्ति हो सकती है। सुख काल में सुख के जाने की विस्मृति ने ही दुख का आह्वान किया है। इस कारण सुख का भोग करते हुए कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार से दुख से बच ही नहीं सकता, यह निर्विवाद सत्य है। प्राकृतिक नियमानुसार कोई भी प्रतीति तथा भास स्वरूप से स्थिर नहीं है। उसकी उत्पत्ति तथा विनाश का जो क्रम है उससे ही स्थिरता का भास होता है, किंतु सुख के आदि और अंत में दुख स्वभाव से उस समय तक रहता ही है जब तक सुख में अथवा उसके भोग में आस्था है। आस्था प्राणी को उसके अस्तित्व का भास कराती है जिसमें वह आस्था रखता है। जब तक सुख में आस्था रहेगी तब तक सुख का अस्तित्व प्रतीत होगा। यद्यपि प्राकृतिक नियम अनुसार उत्पन्न हुई प्रत्येक प्रतीति निरंतर परिवर्तनशील है, तथापि सुखासक्ति सतत परिवर्तन में भी स्थिरता का भास कराती है। सुख की स्थिरता का भास सुख में जीवन बुद्धि उत्पन्न करता है, जिसके उत्पन्न होते ही सुख का महत्व बढ़ जाता है और फिर बेचारा प्राणी विवश होकर अपने आप जाने वाले सुख के पीछे दौड़ने लगता है, यद्यपि उसे पकड़ नहीं पाता। परंतु अल्पकाल की समीपता की अनुभूति न रहने वाले सुख से निराश नहीं होने देती। सुख की आशा सुख से भी अधिक मधुर प्रतीत होती है। उस मधुरिमा में आबद्ध प्राणी सुख भोग के लिए बड़े बड़े दुखों को सहन कर सकता है। उस पर भी सुख का भोग तथा उसकी आशा परिणाम में दुख ही प्रदान करती है। इस दृष्टि से सुख में ही दुख विद्यमान है और दुख से ही सुख का भास होता है। सुख और दुख दोनों की वास्तविकता के बोध में सुख की दास्ता तथा दुख के भय का नाश है। रस जीवन की मांग है और सुख तथा दुख भोग हैं। भोग का परिणाम रोग तथा शोक है, जो किसी भी प्राणी को अभीष्ट नहीं है। सुख संकल्प पूर्ति की एक दशा मात्र है और कुछ नहीं। संकल्प शुद्ध हो अथवा अशुद्ध, लघु हो अथवा महान, किंतु संकल्प पूर्ति का सुख समान ही है। इसी कारण शुभाशुभ प्रवृत्तियां सुख की भोगी में जीवित रहती हैं। यदि संकल्प पूर्ति के अतिरिक्त सुख का कोई और अस्तित्व होता तो शुभाशुभ प्रवृत्तियों का विभाजन स्वतः हो जाता। इतना ही नहीं, उत्पन्न हुई अशुभ प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती और पुनः उत्पन्न न होती। जीवन में केवल शुभ प्रवृत्तियां रह जाती, परंतु बेचारा सुख का भोगी सर्वांश में न अशुभ प्रवृत्तियों का नाश ही कर पाता है और न शुभ प्रवृत्तियों की दासता से ही मुक्त हो पाता है। प्रवृत्ति रहते हुए रस के साम्राज्य में प्रवेश ही नहीं होता। इस दृष्टि से
सुख और रस में बड़ा भेद है। इतना ही नहीं, रस की अनेक श्रेणियां हैं, परंतु सुख में कोई श्रेणी नहीं है। परिस्थिति भेद से बेचारा प्राणी केवल अनुमान करता है कि अमुक व्यक्ति विशेष सुखी है। विशेषता और न्यूनता परिस्थितियों के बाह्य स्वरूप में है। सुख का भास वास्तव में परिस्थिति जन्य नहीं है, केवल संकल्प पूर्ति जन्य है। सभी संकल्पों की पूर्ति किसी प्रकार किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है, तो फिर सुख के अस्तित्व को स्वीकार करना कहां तक युक्तियुक्त है? अस्तित्वहीन आभास मात्र सुख के पीछे दौड़ना रस से विमुख होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। न चाहने पर भी बार बार दुख का प्रादुर्भाव मंगलमय विधान से सुख की दास्ता का नाश करने के लिए ही मानव के जीवन में होता है। पर बेचारा प्राणी प्रमादवश आए हुए दुख से भयभीत और जाने वाले सुख की दास्ता में आबद्ध होकर नित नव रस से जो जीवन की वास्तविक मांग है उससे वंचित रह जाता है। यद्यपि रस की मांग नष्ट नहीं होती, दब जाती है और फिर नीरसता मानव को सुख का भिखारी बना देती है। नीरसता का अंत वर्तमान में संभव है, किंतु सुख का संपादन भविष्य की आशा पर ही निर्भर रहता है। भविष्य की आशा वर्तमान की वास्तविक व्यथा को शिथिल बनाती है। व्यथा की शिथिलता में सजगता नहीं रहती, उसके बिना सुख और रस का भेद स्पष्ट नहीं होता। उसके बिना हुए न तो रस की मांग ही सर्वांश में जागृत होती है और न सुख की आशा का ही अंत होता है। सुख के संपादन के लिए श्रम, संग्रह, पराधीनता एवं जड़ता आदि दोष अपेक्षित हैं, किंतु अगाध अनंत नित नव रस के प्रादुर्भाव के लिए केवल परिश्रम, स्वाधीनता तथा प्रेम की जागृति अपेक्षित है। दुख का प्रभाव अत्यंत सुगमता पूर्वक मानव को विश्राम, स्वाधीनता तथा प्रेम का अधिकारी बना देता है। पर यह रहस्य वे ही जान पाते हैं जिन्होंने आए हुए दुख का आदर पूर्वक स्वागत किया है और गए हुए सुख को धीरज पूर्वक विदाई दी है। दोष जनित सुख दोषों को बनाए रखने पर भी सुरक्षित नहीं रहता, अर्थात कोई भी प्राणी सदैव दोषी होकर भी सुख का भोग नहीं कर सकता है। आया हुआ सुख चला जाता है और उसका भोगी बेचारा दोषी बनकर ही रह जाता है। यद्यपि अपने को सदा के लिए सर्वांश में दोषी बनाए रखना किसी को भी अभीष्ट नहीं है, तथापि सुख की दास्ता से वह अपने में अपराधी भाव स्वीकार कर निर्दोषता से निराश हो जाता है। इस कारण सुख भोग का साधक के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। सुख का आना और जाना तभी उपयोगी तथा हितकर सिद्ध होते हैं जब मानव सुख का भोगी न होकर उसकी वास्तविकता का अनुभव कर आए हुए सुख द्वारा सेवा परायण हो जाए। सेवा सामग्री का भोगी हो जाना मानवता से पशुता की ओर अग्रसर होना है। दुख का प्रभाव पशुता का अंत कर सोई हुई मानवता जगाने में समर्थ है। यह तभी संभव होगा जब मानव यह स्वीकार करे कि आया हुआ सुख अपने लिए नहीं है, अपितु दुखियों की धरोहर है। सुख दुख युक्त परिस्थिति में से जब सुखांश सेवा में खर्च हो जाता है, तब मंगलमय विधान से केवल दुख
दुखी को उस जीवन से अभिन्न कर देता है जो सुख दुख से अतीत दिव्य और चिन्मय है, जिसमें जड़ता पराधीनता तथा अभाव की गंध भी नहीं है, और जो अकर्तव्य असाधन एवं आसक्तियों से रहित है, कामना पूर्ति और अपूर्ति की परिस्थितियों से तादात्म्य स्वीकार करना, अपने को सुख की दासता तथा दुख के भय में आबद्ध करना है। इस कारण कामना पूर्ति अपूर्ति में जीवन बुद्धि स्वीकार करना प्रमाद ही है। प्रमाद के रहते हुए न तो सुख की दास्ता का नाश होता है और न दुख के भय का ही अंत होता है। दुख का भय दुख से भी अधिक दुखद है। दुख का भय दुखी के जीवन में असावधानी उत्पन्न कर देता है जो उसके लिए सर्वदा अहितकर है। इस दृष्टि से दुख से भयभीत होना भारी भूल है। इस भूल का अंत करना मानव मात्र के लिए अनिवार्य है। दुख आने पर यदि बेचारा दुखी दुख से भयभीत न हो तो सावधानी सुरक्षित रहती है, जिसके रहने से प्रत्येक परिस्थिति के सदुपयोग की सामर्थ्य साधक में स्वतः आ जाती है। परिस्थितियों का सदुपयोग उनसे असंगता प्रदान करने में समर्थ है। असंगता विषमता का अंत कर समता से अभिन्न करने में हेतु है। समता के साम्राज्य में दीनता तथा अभिमान की गंध भी नहीं है। दीनता तथा अभिमान का अंत होते ही परिच्छिन्नता स्वतः नाश हो जाती है, और फिर सुख दुख से अतीत के जीवन से एकता हो जाती है। इस दृष्टि से असंगता पूर्वक समता से अभिन्न होना अनिवार्य है। असंगता किसी भी अभ्यास से साध्य नहीं है, कारण कि अभ्यास उन वस्तुओं से तादात्म्य करा देता है जिनसे साधक को असंग होना है। दुख का प्रभाव परिस्थितियों के महत्व का नाश कर साधक को परिस्थितियों से असंग होने का अधिकारी बना देता है। यह अनंत का मंगलमय विधान है। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता के अभिमान का अंत हुए बिना विकास संभव नहीं है। दुख का प्रभाव निर्भिमानता का प्रतीक है और दुख का भोग दीनता में आबद्ध करता है। दीनता के नाश के लिए अभिमान का नाश अनिवार्य है। इस दृष्टि से आए हुए दुख का भोगी नहीं होना है, अपितु उसके प्रभाव को अपनाना है। यह तभी संभव होगा जब अपने आप आए हुए सुख दुख में जीवन बुद्धि ना रहे। सुख दुख में जीवन बुद्धि का अंत करने के लिए कामना पूर्ति के प्रलोभन का त्याग आवश्यक है। कामना पूर्ति का प्रलोभन कामना पूर्ति में हेतु नहीं है। इस कारण मानव जीवन में उसका कोई स्थान ही नहीं है। कामना पूर्ति का प्रलोभन कामना अपूर्ति से उत्पन्न हुए दुख के भय में आबद्ध करता है। दुख के भय से दुख मिट नहीं जाता, अपितु दुखी को कर्तव्य से च्युत कर देता है। अतएव शीघ्र अति शीघ्र कामना पूर्ति के प्रलोभन से मुक्त होना अनिवार्य है। सुख लोलुपता और सुख का प्रलोभन एवं सुख की दासता दुख के भय को उत्पन्न करते हैं। दुख का प्रभाव सुख लोलुपता आदि का नाश करने में समर्थ है। सुख का भोगी दुखों से भयभीत तो होता है, और वह दुखी जिसने सुख की वास्तविकता का अनुभव किया है
दुख के प्रभाव से प्रभावित हो दुख का अंत करने में समर्थ होता है। सुख की मधुरिमा भयंकर विष के तुल्य है। इतना ही नहीं, विष के सेवन से तो एक ही बार प्राण का अंत होता है, किंतु बेचारे सुख के भोगी को तो अनेक बार जन्म मरण की असह्य व्यथा सहनी पड़ती है। अपमान तथा पराधीनता तो उसे पग पग पर पीड़ित करती है। फिर भी सुख के प्रलोभन का सर्वांश में त्याग न करना कितनी भारी भूल तथा आश्चर्य की बात है। इस भयंकर भूल का अंत शीघ्र अति शीघ्र अर्थात वर्तमान में ही करना अनिवार्य है। सुख के प्रलोभन मात्र से सुख की उपलब्धि नहीं होती, कारण कि प्रत्येक परिस्थिति की प्राप्ति विधान के अधीन है, कामना के नहीं। सुख भोग की रुचि प्रमाद की प्रथम प्रतिक्रिया है, अतएव प्रमाद के नाश में ही उसका नाश है। दुख का प्रभाव प्रमादी में सुख भोग जनित जड़ता का नाश कर देता है, जिसके होते ही सर्वांश में प्रमादी प्रमाद से मुक्त हो जाता है, जो विकास का मूल है। दुख का भोगी सुखमय परिस्थिति की उपलब्धि मात्र से अपने में झूठा संतोष कर लेता है, किंतु प्राकृतिक नियमानुसार सुख के भोगी को विवश होकर भयंकर दुख भोगना ही पड़ता है। दुख के भोगी में बीज रूप से सुख की दास्ता रहती है, इस कारण वह बेचारा सुख की प्रतीति मात्र से अपने में झूठा संतोष करने का प्रयास करता है और सुख भोग जनित पराधीनता तथा अपमान की व्यथा भूल जाता है। सीमित बल योग्यता एवं गुणों की महत्ता में आबद्ध होने के कारण वास्तविकता की विस्मृति उसे दुख के प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देती। दुख के भोगी में त्याग का बल नहीं रहता, दुख के प्रभाव में ही त्याग का बल निहित है। दुख के भोगी में क्रोध है, त्याग नहीं। कभी कभी दुख का भोगी अपने शरीर तक का नाश कर देता है, पर देहाभिमान का त्याग नहीं कर पाता। प्रिय से प्रिय वस्तुओं को ठुकरा देता है, पर वस्तुओं की सत्यता और ममता से मुक्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपने को भयंकर परिस्थितियों में डाल देता है, किंतु प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करता। उदारता, त्याग, क्षमाशीलता आदि दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति राग तथा क्रोध रहित होने में ही है। राग तथा क्रोध का अत्यंत अभाव दुख के प्रभाव से जागृत विचार में ही निहित है। दुख का भोगी प्राणी को शक्तिहीन बनाता है और दुख का प्रभाव सामर्थ्य प्रदान करता है। दीनता तथा अभिमान की अग्नि बेचारे दुख के भोगी को दग्ध करती रहती है। दुख का प्रभाव अभिमान का अंत कर दुखी को दीनता से मुक्त कर देता है। दुख को सहन करना दुख भोग का सुंदर रूप है, किंतु दुख के कारण की खोज न करना दुख भोग को सुरक्षित रखना है। सहनशीलता असह्य वेदना को शिथिल बनाती है और असहनशीलता क्षुब्ध करती है। शुद्ध होने से ही सर्वांश में दुख का प्रभाव नहीं होता, अपितु दुख का भोग ही होने लगता है। इस कारण असहनशीलता और सहनशीलता दोनों से भिन्न दुख के प्रभाव को अपनाना अनिवार्य है। वह तभी संभव होगा जब दुख का भोगी अपने में छिपी हुई सुख की दास्ता का स्पष्ट दर्शन करे।
सुख की दास्ता के ज्ञान में ही उसका नाश निहित है। सुख की दास्ता ही दुखी को दुख भोग के लिए जीवित रखती है। उसका नाश होते ही दुखी दुख के प्रभाव से प्रभावित होकर सदा के लिए दुख से छूट जाता है, अथवा यूं कहो कि उसका जीवन दुखारी की प्रीति हो जाता है। दुख से छूटते ही दुखी का अस्तित्व जीवन से अभिन्न हो जाता है। दुख भोग के आश्रित ही दुखी में परिच्छिन्नता रहती है, जो अनेक प्रकार की भिन्नता को उत्पन्न करती है। भिन्नता काम की जननी है और कामना की अपूर्ति से ही दुख का भोग आरंभ होता है। इस दृष्टि से भिन्नता का अंत करने के लिए परिच्छिन्नता का नाश अनिवार्य है। परिच्छिन्नता का नाश सुख की दास्ता तथा दुख के भय से रहित होने में ही है। सुख की दास्ता के रहते हुए दुख का भय नष्ट नहीं होता। सुख की वास्तविकता का बोध बिना हुए सुख की दास्ता नष्ट नहीं होती। साधन रूप सुख भोग तथा उसके परिणाम पर अविचल आस्था एवं दृष्टि रखने से ही सुख की वास्तविकता का स्पष्ट बोध होगा, जिसके होते ही सुख की दास्ता अपने आप गल जाएगी, जो दुख के भय से मुक्त कर दुख के प्रभाव से प्रभावित करने में समर्थ है। सर्वांश में दुख की निवृत्ति दुख के प्रभाव में ही निहित है, पर ये रहस्य वे ही मानव जान पाते हैं जिन्होंने सुख में जड़ता पराधीनता आदि दोषों का स्पष्ट दर्शन किया है। सुख का भोग सुखी की चेतना का अपहरण कर लेता है तथा अपने आप आने वाला दुख पुनः चेतना प्रदान कर सुख के भोगी को सजग कर देता है। इस दृष्टि से दुख बड़े ही महत्व की वस्तु है, किंतु दुख का भोग तथा भय विकास में बाधक है।